जानते हैं कि अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और इस लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार में से एक वह होता है जिस दिन आप मतदान का प्रयोग करते हैं। हम लोग लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान का प्रयोग करें, उनका युवा बाहर आए, बड़ी संख्या में जिन्होंने पहली बार जिन्हें वोटिंग की पात्रता आई वो बाहर आए, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे। तो जरूरी था कि हम खुद ही उसका पालन करें और इसलिए आज हम लोगों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जहाँ तक इस चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की बात है, सुबह 6 बजे से सारी टीमें हमारी जो लगभग पूरे इलाके में निकल गई हैं, जगह जगह सभी जगह जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं जो 300 से ज़्यादा हैं, लगभग 6000 के आसपास के जो जवान हैं वो हर जगह पूरी तरह से सतर्क हैं, मुस्तैद हैं और अभी तक पूरी तरह से जो भी चुनावी प्रक्रिया सम्पन्न हो रही है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। और कहीं कोई ऐसी घटना की कोई आया मैसेज है? अभी तक कहीं भी किसी घटना की नहीं, पूरी तरह से एक भयमुक्त, एक निष्पक्ष, एक बेहतर वातावरण में पूरी प्रक्रिया हो रही है। और सुबह 6 बजे से ही पुलिस की पेट्रोलिंग, पुलिस के अधिकारी अपने अपने इलाके में निकल चुके हैं और सभी जगहों पे लगातार ड्रोन कैमरों से कहां कहां निगरानी की जा रही है। इसमें ड्रोन कैमरे नहीं, मुख्य तौर पे अगर आप देखें तो इसमें CCTV कैमरे का काफ़ी उपयोग हुआ है, इसमें वेब कास्टिंग किया जा रहा है, इसमें पुलिस के जवानों के साथ साथ SPOs भी हैं, इसमें जगह जगह हम जानते हैं कि यहाँ पे 16 CAPF की कंपनियाँ हैं जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, जिसमें CRPF और BSF प्रमुख रूप से हैं, उनकी कंपनियाँ हैं, इसमें SF के जवान हैं, इसमें जिला बल के लगभग 3500 जवान हैं। ये सारे मिल करके लगातार पिछले 48 घंटों से काफ़ी ज़्यादा सतर्क हैं और आज सुबह 6 बजे से सभी लोग अपने अपने इलाके में लगातार सतर्क हैं। सर, रात को भी कुछ घटनाएं हुई थी शराब बांटने जैसी या इस प्रकार? लगातार चूँकि डायल 100 को डिएक्टिवेट किया गया है और भी कुछ जगहों पर इस तरह की शिकायतें आई हैं, लेकिन जहाँ भी शिकायतें आई लगातार उसमें त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की गई।